IPL 2022 मेगा ऑक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे ही फैंस के मन में तो एक्साइटमेंट बढ़ती हुई नजर आई है। और भैया बात ये भी है कि BCCI भी हाल फिलहाल में हमें काफी सक्रिय नजर आए हैं, क्योंकि इसके पहले उन्होंने हमें शॉर्ट लिस्टेड खिलाड़ियों की लिस्ट पूरी सौंप दी IPL 2022 मेगा ऑक्शन के लिए। और जब से ये सूची आई है ना, तब से एक एक करके कतार में भैया बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स एंड जानकारियां आ रही हैं। और उसमें सबसे बड़ी अपडेट जो हमें देखने को मिली है ना अभी लेटेस्ट जानकारी में, वो है इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी को लेकर। IPL 2022 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की अवेलेबिलिटी पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है। और भैया ये अपडेट कहीं और से नहीं बल्कि BCCI दफ्तर से ही हमें देखने को मिली है, उन्होंने ही रिस्पॉन्ड किया है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करूंगा, फिर चाहे वो देश विदेश IPL अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से हो, सब कुछ अपडेट यहां पर एक एक करके मैं फटाफट से कमाल क्रिकेट के एपिसोड में आप लोगों से शेयर करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, लाजवाब, फैंटास्टिक, फैबुलस, माइंड ब्लोइंग वीडियो है भैया। आप लोग वीडियो को मतलब पहले वीडियो को लाइक करिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए। और हम यहां पर फटाक से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहां पर सबसे पहली अपडेट IPL 2022 मेगा ऑक्शन की। बड़ी अपडेट, बड़ा डेवलपमेंट मैं शेयर कर रहा हूं, जहां पर दोस्तों हमें बता दिया गया है कि IPL 2022 मेगा ऑक्शन तो मतलब 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में तो देखने को मिलेगा ही, वो बात तो पूरी तरीके से कंफर्म है। लेकिन यहां पर टाइमिंग भी हमें बता दी गई है कि IPL 2022 मेगा ऑक्शन 12 और 13 फरवरी को दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। और इसका लाइव प्रसारण दोस्तों हम सभी लोग स्टार स्पोर्ट्स एंड हॉटस्टार पर देख सकते हैं 11 बजे जो है दोपहर आप कह सकते हो, लगभग 11 बजे से यहां पर प्री शो स्टार्ट होगा। और उसके बाद 12 बजे से 12 और 13 फरवरी को लाइव ऑक्शन आप देख पाएंगे स्टार स्पोर्ट्स एंड हॉटस्टार पर। यह बड़ा डेवलपमेंट हमारे हाथ लगा है। और उसके बाद यहां पर जो है दूसरी अपडेट BCCI दफ्तर से ही हमें देखने को मिली है, और अपडेट है IPL 2022 मेगा ऑक्शन की सभी 10 फ्रेंचाइजेस को लेकर, जहां पर BCCI ने खत लिखकर, ईमेल लिखकर यहां पर बोला है सभी 10 की 10 फ्रेंचाइजेस को कि जितने भी लोग आपके यहां से IPL 2022 मेगा ऑक्शन में आ रहे हैं हिस्सा लेने, पार्टिसिपेट करने, मतलब थोड़ा सा बिडिंग करने आएंगे, स्ट्रेटजी जो भी लोग यहां पर आने वाले हैं उनकी लिस्ट आप लोग हमें 4 फरवरी के पहले सौंप दीजिए। और यहां पर एक लिमिट भी रखी है BCCI ने कि मैक्सिमम हर एक फ्रेंचाइज की तरफ से 10 लोग ही आ सकते हैं और 8 लोग ही मैक्सिमम IPL ऑक्शन टेबल पर बैठते हुए नजर आएंगे हर एक फ्रेंचाइज की तरफ से, हर एक फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट करने के लिए। यह BCCI ने टर्म एंड कंडीशन रखा है और उसके बाद 4 फरवरी तक की डेडलाइन दी है। भैया जितने भी नाम आपको सबमिट करने हैं फटाफट से सबमिट कर दीजिए। इसके बाद भैया यहां पर बात करें तीसरी अपडेट को लेकर, और ये मेजर डेवलपमेंट है जो मैं बात कर रहा था इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की अनअवेलेबिलिटी को लेकर। जी हां दोस्तों, इसके पहले क्रिकबस की रिपोर्ट आई थी जहां पर बताया गया था कि इन ऑल लाइकलीहुड ऐसा हो सकता है इस बार ECB के जिस तरीके के रुख है कि शायद इंग्लैंड के खिलाड़ी आपको IPL 2022 के नॉकआउट स्टेजेस को खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, वो इंग्लैंड के प्लेयर्स जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके बाद कुल मिलाकर मैंने आपको 8 नाम ऐसे बताए थे जो शायद आपको ऐसे में देखने को ना मिलते। लेकिन भैया अब ये मामला थोड़ा सा और गंभीर तब बन जाता है जब क्रिकबस की रिपोर्ट ने अब ये क्लेम किया कि इसके पहले इंग्लैंड के खिलाड़ी जो नॉकआउट स्टेजेस में शायद अवेलेबल ना होते। अब रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच एक लिमिटेड ओवर सीरीज होने वाली है मार्च के शुरुआत से लेकर अप्रैल, मेरे ख्याल से 4-5 अप्रैल तक वो जो है श्रृंखला चलेगी। और ऐसे में अगर वहां पर जो है कुछ प्रमुख खिलाड़ी जैसे कि डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, अगर इन खिलाड़ियों को स्क्वाड में रखा जाता है उस टूर के लिए, तो ऐसे में ये आपको IPL 2022 के शुरुआती मुकाबले मिस करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि दोस्तों इस पर BCCI ने साफ तौर पर बोला है कि देखिए आप लोग परेशान मत होइए, हम सभी यहां पर बोर्ड ऑफिशियल से बात कर रहे हैं, सभी बोर्ड से हमारी बातचीत चल रही है, अभी हम अवेलेबिलिटी पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम बहुत जल्द आप लोग को अपडेट दे देंगे एंड सारे खिलाड़ियों की जो भी विदेशी प्लेयर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी, अनअवेलेबिलिटी, वो कब तक रहेंगे, कब नहीं रहेंगे, कितना खेलेंगे, कितना नहीं खेलेंगे, जो भी चीजें हैं हम आपको मेगा ऑक्शन के पहले बता देंगे। और उसके बाद ही आप लोग भैया मेगा ऑक्शन पर उन खिलाड़ियों पर बिडिंग करिएगा अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से। हालांकि फ्रेंचाइज ऑफिशियल्स का इस पर ये जरूर कहना था कि भैया थोड़ा सा पहले बता देते तो हम उस हिसाब से स्ट्रेटजी बना लेते, नहीं तो फिर आप लास्ट मिनट पे बताते हैं, लेकिन भैया ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तो BCCI की तरफ से ये बात क्लियर है कि वेट करिए, हम आपको बता देंगे कि कौन खेलेगा, कितना खेलेगा। लेकिन क्रिकबस की अगर हम रिपोर्ट माने तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड प्लेयर्स पर संशय ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स भी शायद यहां पर मिस कर सकते हैं। इसके बाद यार नेक्स्ट अपडेट मेगा ऑक्शन के शॉर्टलिस्टेड खिलाड़ियों को ही लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। वैसे इस वीडियो में तो मैंने आप लोगों से काफी कुछ अपडेट शेयर कर दी थी, लेकिन उसके पहले कुछ और पॉइंट जो मिस हो गए थे वो ऐड कर देना चाहूंगा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि भैया शाहरुख खान ना, जिन्होंने अपना बेस प्राइस शुरुआत में 20 लाख रुपए रखा था, अब उन्होंने बढ़ाकर अपना 40 लाख कर लिया। जब शॉर्टलिस्टेड खिलाड़ियों की सूची आती है तो वहां पर उन्होंने अपना बेस प्राइस 20 लाख से बढ़ा लिया है। वहीं पर ओडियन स्मिथ, एक जो वेस्ट इंडीज के युवा ऑलराउंडर है, जिन्होंने सबसे पहले अपना नाम 2 करोड़ के स्लैब में रखा था भैया विदेशी खिलाड़ी के तौर पर, उन्होंने अब
उस स्लैब से अपने आप को बाहर किया और घटाकर उसे अब 1 करोड़ के स्लैब में कर दिया और शॉर्टलिस्टेड खिलाड़ियों में भी उनका नाम आप बाकायदा देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो एक और मेजर अपडेट मैं शेयर कर देना चाहूंगा, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हमें आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन का हिस्सा नहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने आईपीएल 2021 में पार्टिसिपेट भी किया था। वो खिलाड़ी हैं दोस्तों झाई रिचर्डसन, काइल जैमसन एंड डैन क्रिश्चियन। ये कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जो कहीं ना कहीं हमें मिसिंग नजर आ रहे हैं आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन की लिस्ट से। और इसके अलावा दोस्तों जेम्स फॉकनर, एस श्रीसंत और चेतेश्वर पुजारा, इनफैक्ट अर्जुन तेंदुलकर, अजिंक्य रहाणे, तो ऑब्वियसली मतलब उनको तो जगह बनानी थी। ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमें अलग अलग बेस प्राइस के साथ आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन में देखने को भी मिल रहे हैं। पिछले साल मुझे याद है जेम्स फॉकनर एंड एस श्रीसंत फाइनल शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए थे, लेकिन इस बार भैया इनका भी लिस्ट में हमें नाम देखने को मिल रहा है। भैया इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज को लेकर मेरे पास इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जहां पर हमें पता है कि 6 फरवरी से भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडीआई श्रृंखला अहमदाबाद में खेलते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में भैया डेवलपमेंट ये है कि अहमदाबाद श्रृंखला के लिए मतलब ओडीआई श्रृंखला के लिए बेसिकली यहां पर कोई भी क्राउड अलाउ नहीं किया जाएगा, नो फैंस रहेंगे, बेसिकली स्टेडियम पूरी तरीके से खाली रहेंगे। तो वहीं पर दूसरी तरफ कोलकाता गवर्नमेंट की तरफ से टी20 इंटरनेशनल श्रृंखला के लिए 75% फैंस अलाउ किए गए। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपडेट, और ये अपडेट भी हमें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज से देखने को मिल रही है। आगे आने वाली श्रृंखला इंडिया वर्सेस श्रीलंका के लिए आपको शायद ये जानकारी होगी कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बेसिकली बीसीसीआई से रिक्वेस्ट किया है कि भैया हम जो पहले टेस्ट श्रृंखला खेल रहे थे उसके बाद टी20 खेल रहे थे ना, उसको थोड़ा सा शफल कर दीजिए, टी20 पहले खेल लीजिए, टेस्ट बाद में खेल लीजिए। अब इससे क्या होगा कि हमारी जो टी20 टीम है ना, जो अभी ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने जा रही है, ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही है, वो डायरेक्टली फिर भारत आ जाएंगे, तो क्वारंटाइन वाला चीजें आसान हो जाएंगी। एंड ऐसी रिपोर्ट्स हैं दोस्तों कि बीसीसीआई भी इस चीज पर कंसिडरेशन कर रहे हैं, एंड इनफैक्ट अब वेन्यूज भी थोड़े से चेंज होते हुए नजर आएंगे, और जिसका ये मतलब है मोटे तौर पर कि हो सकता है कि विराट कोहली जो पहले बेंगलुरु में अपना 100वां टेस्ट मुकाबला खेल सकते थे, अगर वो 100वां टेस्ट मुकाबला खेलेंगे वो शायद अब वो मोहाली में खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शायद यहां पर ग्राउंड को यानी कि वेन्यूज को बेसिकली चेंज किया जा सकता है। ये बड़ी अपडेट, ये बड़ा डेवलपमेंट हमें इंडिया और श्रीलंका सीरीज के लिए देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों ये रही आज दिन भर की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आप लोगों से शेयर की, और भैया ये आज दिन की पहली वीडियो है, ऐसे ही करके ना आज अनेक वीडियोस आने वाली है, बहुत सारा मेरा प्लान है। आप लोग बस फटाफट से सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन सेकंड वीडियो की आपको मिल जाएगी और वीडियोस भी आएंगी। एंड मतलब वीडियो को लाइक करिए भैया, चैनल को तो सब्सक्राइब बोल दिया है, सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप फॉलो कर लीजिए, और एक एक करके वीडियोस आ रही हैं फटाफट से, देखिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फटाफट से, तब तक आप लोग थोड़ा सा सोशल मीडिया पर देख लीजिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।